हेलो एवरीवन मैं हुआ सुतो सिंह और आपका वेलकम करता हूं ब्रेन पे जहां पे आपको मिलता है टू तो क्लास किस तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यहां पे आपको किसी भी टाइप की कोई फी कोई भी रजिस्ट्रेशन फी देने की जरूरत नहीं है और हाँ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि दो चैप्टर पढ़ा दूंगा और फिर बोलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए फिर यहाँ पे इतना पे कीजिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है है ना पूरा सिलेबस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं ओके okay, सर ठीक है तो स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्या चल रहा था परमोटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था परमोटेशन पे जो हमारा एनपीआर का फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किए थे ओके okay? अब आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर, करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं येस yes, सर अब हमें अब मजा आने वाला है इसी का तो इंतजार था ना यस yes, इसी का इंतजार था तो अब हमारा क्या होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम ऑन परमोटेशन स्टार्ट होने वाला है जिसका आज हमारा पार्ट वन है ओके okay, सर ठीक है अब इस पे आ जाते हैं इसमें जो क्वेश्चन होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था परमोटेशन तो का जो फॉर्मूला होता है जैसे हम लोग देखें परमोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है? क्या पड़े है, मतलब क्या होता होता है है पढ़े का का एनपीआर एनपीआर एक्चुअल में मतलब बताइएगा मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में सेकेंड लास्ट क्लास में एनपीआर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ क्या होता था इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ एक बार फिर से लिख लीजिएगा अरेजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स

और बोलेगा उसमें से ना जैसे दस ऑब्जेक्ट है लेट से मैं मान लेता हूं ए बी सी डी मान लो मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है अच्छा याद रखिएगा डिफरेंट है ना मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है ना ए बी सी डी ई एफ आई ई एफ जी एच आई जे ये मान लो दस लेटर है ठीक है अब इसमें से मान लो मुझे बोलेगा किसी चार लेटर को अरेंज करो अब वो चार लेटर तो कोई भी हो सकता है

इसमें से मुझे अरेंज करना था हमारे पास तो टोटल तो कितने ऑब्जेक्ट है यहां पे सर तीन ऑब्जेक्ट है मैं बोला था कि किसी दो को लेके कितने टाइप के अरेंजमेंट होंगे तो ये क्या है अरेंजमेंट ऑफ थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन टू एट ए टाइम तो कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉसिबल थे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल थे टेकन टू एट ए टाइम जैसे एक ए बी है एक बी ए है एक ए सी है एक सी ए है एक बी सी है और एक क्या है सी बी है बोलिए यस और नो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल था छह पॉसिबल था है ना तो फिर आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब जो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उससे भी कर सकते हैं ऑब्वियसली कर सकते हैं उसी से तो ये फॉर्मूला बना था मैंने आपको सिखाया हूं पमोटेशन का जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो मतलब अभी की सेकेंड लास्ट क्लास है ना दो क्लास लेक्चर पहले उसको देख लीजिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता था सर एनपीआर का फॉर्मूला बताओ क्या होता था का फैक्टोरियल और अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये हुआ आया हुआ है दिखेगा जिस सवाल में हमारा एनपीआर लग रहा है इनडायरेक्टली उसका सवाल कैसे हो रहा है सर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मुला भी उसी से आया है इसका आंसर क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एन का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट ठीक है और आर का क्या मतलब है ये है टेकन आर एट ए टाइम है ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अ टाइम टेकन एट अ टाइम बोलिए ऐसा ही कुछ था यस yes, सर ठीक है अब क्वेश्चन में इस पे स्टार्ट करूं बोलिएगा अब नाउ यू यू ऑल आर कंफर्टेबल अब कंफर्टेबल हो लास्ट के क्लास दो तीन लेक्चर देखो फिर इस पे क्वेश्चंस और इजीली आपसे बनने लगेगा इस फॉर्मुला कैसे आया ये फॉर्मुला सब मैं समझाया हूं सर हम लोग देख क्या है वो लेक्चर बहुत बढ़िया आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं देखो लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग मतलब कितने वर्ड्स हो सकते हैं जिसका मीनिंग हो या मीनिंगलेस हो मीनिंग हो या नहीं हो मीनिंग ठीक है विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बन सकता है ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर्स ऑफ दर्ड इक्वेशन यूजिंग इच्छ लेटर एक्जेक्टली वंस यहां पर क्या कह रहा है एक चीज और याद रखियेगा जो एनपीआर है ना यह कब अप्लाई होता है जब रिपीटिशन नॉट अलाउ होता है याद रखियेगा रिपीटिशन नॉट अलाउ होना है एनपीआर का फॉर्मुला लगाते हैं और यहां पर ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए ऑल ऑब्जेक्ट सुड बी डिस्टिंक्ट सुड बी डिस्टिंक्ट ठीक है अगर इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे तो उसका तरीका अभी कुछ दो तीन क्लास के बाद आपको बताऊंगा उसमें भी क्या ऑल ऑब्जेक्ट जब क्या हो डिस्टिंग हो यहां तक की कहानी समझ में आ गई जी सर आ गई आ जाइए सवाल पे तो हमारे पास जो गिवन वर्ड है, है ना तो सोल्यूशन है ना हम लिखते गिवन लेटर्स पहले गिवन लेटर्स लिख लो क्या क्या लेटर अपने पास दिया हुआ है गिवन लेटर्स क्या क्या ये लिख लेते हैं क्या क्या है बताइए ई है कॉमा क्यू है यू है ए है टी है आई है ओ है और एन है ये सब हमारे पास गिवन क्या है लेटर्स है ओ है और एन है ठीक है ये लेटर्स दिया हुआ है अब इन लेटर को यूज करके मुझे अलग अलग और क्या बनाना है वर्ड बनाने हैं सर कितने लेटर को एक दो तीन चार पांच छह सात आठ लेटर दिया हुआ है क्या सर हम इ लेटर को यूज करें आ जाओ देखते हैं कितना लेटर कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मड यूजिंग ऑल द लेटर्स सभी लेटर को यूज करना है तो हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स है ना यूजिंग नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल एट लेटर्स है ना ऑल एट लेटर्स एट अ टाइम एट अ टाइम क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स बताइए यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम तो यह हो जाएगा सर एट पी एट आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना नंबर ऑफ वर्ड यूजिंग ऑट ऑल एट लेटर्स एट ए टाइम ऑल एट डिफरेंट लेटर्स लिख लो थेके? तो एट पी एट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है एन का फैक्टोरियल करो और एन माइनस आर का फैक्टोरियल कर दो ठीक है तो ये एट का फैक्टोरियल हो जाएगा और क्या हो जाएगा एट माइनस एट का फैक्टोरियल हो जाएगा तो एट का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो गया सर जीरो का फैक्टोरियल हम जानते हैं जीरो फैक्टोरियल तो वन होता है ठीक है तो आंसर आ गया एट फैक्टोरियल आप चाहो तो इसका आंसर लिख दो नहीं तो यही छोड़ दो आया समझ में डन यस सर डन ठीक है लिखिएगा हम लोग देखिएगा वर्ड्स प्रॉब्लम जो करेंगे ना अलग अलग वेरायटी का आएगा स्टार्टिंग की जैसे ये लेक्चर है आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर दो लेक्चर में आपको सिंपल वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा फिर मैं आपको जो तीसरा लेक्चर होगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे वो हमारा होगा जब कंडीशन कुछ अप्लाई होगा जैसे बोल देगा ई हमेशा स्टार्ट होना चाहिए या हो सकता है ए को कभी यूज ही नहीं करना है ऐसे सब वर्ड्स बनाएंगे हम लोग ठीक है देखिएगा आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास हमारा सिंपल होगा उसके नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वर्मोटेशन के क्वेश्चन करेंगे जब कंडीशन अप्लाई होगा ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे और हाँ एक बात और हो सकता है आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे परमुटेशन परमोटेशन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा क्या सर आता तो है परमोटेशन सर ये ना अगर कोई मुझे बता देता है ना कि ये सवाल परमोटेशन का है ये कॉम्बिनेशन का है तो समझ में आता है मतलब इस पे परमोटेशन लगाओ इस पे कॉम्बिनेशन लगाओ सर हमें यही नहीं समझ में आता कि किस सवाल पे सिर्फ परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का है मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता सर कि ये परमोटेशन वाला सवाल है या कॉम्बिनेशन वाला सवाल है तो सब्र रखिएगा बच्चों मैं जब आपको करवाऊंगा ना जरा सब्र तो रखो दो तीन क्लास आपको चमकना स्टार्ट हो जाएगा कौन परमोटेशन का सवाल है और कॉम्बिनेशन का सवाल है ऐसा है क्या बिल्कुल ऐसा है देखिएगा आप एक्सपर्ट हो जाओगे आप ठीक है तो पहले इसको लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे लिखिए लिख लो ठीक है लिख लिए हाँ तो समझ में तो आया ना एट पी एट क्यों हुआ हम लोग जानते हैं एनपीआर का मतलब क्या होता है सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर थिंग्स एट अ टाइम या नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम तो यहां पे मुझे अलग अलग वर्ड बनाने हैं अगर मुझे वर्ड्स अलग अलग बनाने हैं तो मुझे इस लेटर्स को, अल... आ, करना को आ, अरेंज करना होगा मुझे को को, को, को अरेंज अरेंज करना करना होगा, होगा। सोचो अरेंजमेंट अलग वर्ड हो गया ये क्या हो गया, क्या हो गया? इसका वर्ड इसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है तो मीनिंगफुल भी, भी होगा या मीनिंगलेस होगा सब चलेगा तो मुझे जो अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं इनडायरेक्टली मुझे क्या सोचो मुझे क्या करना पड़ेगा सर जो हमारे लेटर्स है उसको अरेंज करना पड़ेगा और एनपीआर का तो तो मतलब ही तो होता है अरेंजमेंट आई बात समझ में इसको आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो डब्बा बनाते हैं उससे भी कर सकते हैं हां जी सर बिल्कुल उससे भी कर सकते थे कैसे देखो उससे ऐसे करते आप एट आप डब्बा बनाते कितने आठ डब्बा बनाते ठीक कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एट डब्बा हो गया इसको फिल कितना पेज होता पेज ठीक है अब जो लेटर यहां पे यूज हो चुका है वो लेटर यहां यूज नहीं होता सेवन वेज फिर क्या होता six. फिर क्या होता five, four, इसका कितना होता टू वेज होता और फिर इसका कितना टोटल एट वेज हो जाते आई बात समझ में वन से लेके एट का मल्टीपल क्या होगा एट का फैक्टोरियल होगा हो जाएगा इसका आंसर आ जाता तो सर दोनों तो एक ही है हाँ जी एक ही है तो फिर इससे क्यों नहीं किए जो सर सब पहले से वैसे क्यों बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ऐसे कर करोगे ना तो काफी लेंदी भी हो जाएगा तो इससे इजिली हो जाएगा हाँ, लेकिन जब हम लोग कंडीशन वाला क्वेश्चन करेंगे ना दो क्लास के बाद देखिएगा जब कंडीशन अप्लाई वाला सवाल आएगा तो मैं बॉक्स भी बनाऊंगा और एनपीआर भी लगाया करूंगा एक ही सवाल में दो तरीके से सोचेंगे हम लोग ठीक है ओके सर आया समझ में कैसे सोचेंगे सर रुक तो जाओ आने तो दो वो वाली क्लास चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो अब देखो मेरे पास क्या कह रहा with है हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड्स हाउ मेनी फोर विदाउट मीनिंग हो या जो मीनिंगफुल भी हो सकता है मीनिंगलेस भी हो सकता है तो हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम क्या यूज करना है कौन से लेटर के वो कौन सा लेटर यूज करना है तो जो लाइबेथम जो वर्ड है उसमें जो लेटर्स यूज हो रहा है उसको उस लेटर्स को यूज करके मुझे वर्ड क्रिएट करना है डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं तो सोच ले कितने वर्ड्स बन सकते हैं अच्छा उस उस वर्ड का मीनिंग हो या मीनिंग ना हो दोनों चलेगा मीनिंगफुल भी होगा मीनिंगलेस भी होगा यहां तक की कहानी समझ में आ रही है ये सर है ना अगला देखिएगा इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउ रिपीटेशन अलाउ नहीं है यस yes, सर मतलब ये हमारा कौन सा कंडीशन है ये आर एन ए का कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो मतलब पूरी हरी झंडी मिल चुकी है हमें एनपीआर लगाने का है ना अच्छा तो मेरे पास जो देखिएगा कैसे सोचेंगे पहले लिख लेंगे डिफरेंट गिवन लेटर्स है ना गिवन लेटर्स क्या है भाई गिवन लेटर्स देखो हमारे पास जो लेटर है क्या है एल है ओ है जी है ए है लॉ गै आर है आई है टी है एच है एम है एस है ना ये मेरे पास डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं कितने हैं एल ओ जी ए आर आई टी एच एम एस ठीक है ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस लेटर्स दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां पे कितना है लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गिवन लेटर्स गिवन लेटर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता था जो एन होता था वो यहां पे कितना है सर टेन हो गया है ना हमें जो बनाना है नंबर सो नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स ठीक है ऑफ फोर लेटर्स ऑफ फोर लेटर्स है ना नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स कितना हो जाएगा बाय यूजिंग बाय यूजिंग टेन लेटर्स गिवन टेन लेटर्स नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स चार लेटर के कितने वर्ड बनेंगे किसका यूज करना है बाई यूजिंग गिवन टेन लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अरेजमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अरेजमेंट ही तो. तो क्या लिखेंगे इसको नंबर ऑफ क्या लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेन लेटर्स है सर 10 लेटर को कहां से अरेंज कर रहे हैं उसी को तो अरेंज कर रहे हैं अब उसमें से 4 लिया जा रहा है तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर्स है ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर्स टेकन टेकन 4 लेटर एट ए टाइम टेकन क्योंकि चार ही लेटर का तो वर्ड बनाना है टेकन फोर लेटर एट अ टाइम क्या हो जाएगा आंसर बताइएगा सर अगर 10 ऑब्जेक्ट दिया हुआ चार लेटर एट ए टाइम ले रहे हैं तो 10p4 हो जाएगा

ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है ये कितना नाइन फिफ्टी सिक्स तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टी फोर फाइव करिए ठीक है पचास एक जीरो यहां से ले आओ इतने वर्ड्स बनेंगे समझ में आया समझ में आ गया अब देखो इसी सवाल को आप चाहते ना तो आप किससे कर सकते थे डब्बे वाले मेथड से कर सकते थे मतलब सर डब्बा वाला मेथड क्या होता है सर ये वाला मेथड देखो हमें क्या बनाना था चार लेटर का वर्ड बनाना था याद करो यस सर तो हम लोग चार डब्बा बनाते थे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद करो यस सर इसको इसको फिल फिल करने करने का नॉट अलाउ है तो मतलब इसको फिल करने है कितना वेज कितने लेटर दिए हुए हैं दस तो यहाँ टेन हो जाता फिर एक कम लेटर यूज यहाँ पे होगा तो मतलब नाइन लेटर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे एट लेटर्स और यहाँ पे सेवन लेटर्स तो फाइनली आंसर क्या होता ये जो मेरा जॉब है इसमें फोर सब जॉब्स है तो सब जॉब्स के मेथड को मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो देखो सेम ही चीज तो है है ना सेम ही है 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, अगला सवाल देखो क्या हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट देखो सिग्नल वाले क्वेश्चन हम लोग किए थे याद करो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय फाइव फ्लैग्स ठीक है कैन बी मेड बाय फाइव फ्लैग्स फ्रॉम एट डिफरेंट फ्लैक्स ऑफ ठीक है देखो इसको ने काम करते हैं पहले पहले वाले मेथड से सोचते हैं हमारे पास ने एक सिग्नल बनाना है जिसमें कितना फ्लैग यूज करना है सर फाइव फ्लैग यूज करना है फ्लैग वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं बोलिएगा हाँ या ना हाँ सर कर चुके हैं एक दो तीन चार पांच ये फाइव फ्लैग का मुझे एक सिग्नल बनाना है मेरे पास कितने फ्लैग अवेलेबल है एट फ्लैग अवेलेबल है ठीक है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय फाइव फ्लैग्स फ्रॉम एट डिफरेंट कलर्स आठ डिफरेंट कलर का फ्लैग है मेरे पास है ना फ्लैग है उसमें से एक सिग्नल बनाना है जिसमें से पांच फ्लैग यूज करना है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेड फ्लैग फर्स्ट टाइम यूज करता हूं तो रेड फ्लैग फिर मैं, मैं यूज नहीं कर सकता हूं रेड फ्लैग अब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होगा तो फर्स्ट प्लेस को फील करने का कितना एट वेज होगा ठीक है फिर इसको कितना सर सेवन वेज मतलब सर ये रिपीटेशन नॉट अलाउ है बिल्कुल रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो फिर इसको कितना हो जाता सिक्स इसका कितना वेज हो जाता फाइव और इसका कितना हो जाता फोर ठीक है तो यहां से अगर मेरे से पूछा जाता कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना हो जाता नंबर ऑफ सिग्नल्स तो मैं क्या आंसर देता बताइएगा जरा तो हम यहां पे लिखते पहले तो लिखते ऐसा कि फर्स्ट फ्लेस कैन बी फिल्ड बाय एट वेज है ना कैन बी फिल्ड इन एट बाय एट वेज या ऐसा बोलते कि फर्स्ट फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी एट कलर्स है ना कोई एट कलर से हम लोग भर सकते थे तो एट वेज होता फिर वो जो कलर यहाँ पे आ चुका है वो कलर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे एक कलर कम हो जाएगा मतलब सेवन कलर हो जाएगा फिर एक कलर और कम हो जाएगा कलर इस टाइप से आ जाता तो फाइनल आंसर क्या होता हमारा बताइएगा फाइनल आंसर जो होता वो एट सेवन सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर होता और इसका जो भी आंसर होता हमारा आंसर हो जाता ये एक तरीका है अब देखो हम लोग पी एन पी आर से कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स नंबर ऑफ सिग्नल्स पहले तो ये लिख लो कितने गिवन हम लोगों के पास क्या लिखेंगे गिवन गिवन फ्लैक्स गिवन गिवन नंबर ऑफ फ्लैक्स नंबर ऑफ फ्लैक्स कितने फ्लैक्स दिए हुए अपने पास सर बताइए कितने फ्लैक्स दिए हुए हैं तो अपने पास दिए गिवन नंबर ऑफ फ्लैक्स एट है एट फ्लैग अपने पास गिवन है कितना है एट फ्लैग अपने पास गिवन है सिग्नल जो बनाना है सिग्नल में कितने फ्लैग यूज करने पांच फ्लैग यूज करने है ना तो हम लिखेंगे इन सिग्नल इन सिग्नल है ना इन सिग्नल वी हैव टू यूज वी हैव टू यूज कितने वी हैव टू यूज फाइव फ्लैग्स वी हैव टू यूज फाइव फ्लैग्स सो फाइनली सुनिएगा क्या लिखेंगे सो नंबर ऑफ सिग्नल्स नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू कितने सिग्नल बनेंगे वो क्या किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ सिग्नल इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ क्या होगा अरेंजमेंट्स होंगे नंबर ऑफ 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 अरेंजमेंट्स ठीक है एट एट डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग क्या होगा डिफरेंट क्या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एट डिफरेंट फ्लैग्स एट डिफरेंट एट डिफरेंट कलर फ्लैग लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा एट डिफरेंट कलर्स है ना फ्लैग फ्लैग्स टेक एन कितने ले रहे देखो एक बार में एन फाइव फ्लैग्स एट ए टाइम फाइव फ्लैग्स एट अ टाइम अरे बात समझो फाइव फ्लैग एट ए टाइम लिए है तो क्या हो जाएगा यहां पे तो आंसर इक्वल टू हो जाएगा एट पी फाइव सिंपल अब लगा दो चुपका दो इसका आंसर तो एट फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो जाएगा 8 minus 5 फैक्टोरियल तो ये हो गया सर 8 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल ठीक है बस इसका आंसर क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 3 तक रुक जाएंगे यस सर रुक जाएंगे और अपॉन में 3 फैक्टोरियल कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यस yes, सर ये कैंसिल हो गया ठीक है अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो यहां पे मल्टीप्लाई लिख दो कितना होगा इक्वल टू में हो जाएगा ये अगर देखा जाए तो आठ इंटू सात फिफ्टी सिक्स ठीक है फाइव फोर जा छः पंच तीस तीस इंटू चार बारह ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना फिफ्टी सिक्स को मल्टीप्लाई कर दो बारह से ठीक है और ये हो जाएगा छः पांच मतलब दो टू छः प्लस एक सात पाँच प्लस एक छः और और एक और जीरो अपने पास तो सामने जीरो भी होगा क्या हाँ जी सर जीरो तो होगा समझ में आया क्या ये हमारा आंसर होगा मैंने 56 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 112 और के साथ छो हाँ जी सही है ठीक है डंडन डन सर तो समझ में आया कैसे किए ये क्वेश्चन सिंपल था मुझे एट डिफरेंट कलर दिए हुए थे डिफरेंट कलर्स के फ्लैग दिए हुए थे मुझे एक सिग्नल बनाना था जिस सिग्नल में मुझे फाइव फ्लैग यूज करना था तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे देखिए इसका भी आंसर वही आ रहा है आठ इंटू सात छप्पन फिफ्टी सिक्स

वे इस कैन सिक्स पर्सन कैन स्टैंड इन अ ट्वी ये क्या है सर मतलब एक लाइन में कतार में हम लोग लाइन असेंबली वगैरह में जाते हैं स्कूल में देखते हो लाइन में लगे रहते हैं ना ए के पैर अभी नहीं पहले लगा हुआ था कब जब हमारा लॉकडाउन आया था देखे तो ए के बाहर क्या लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी ठीक है तो इस तरीके से हम हमें कुछ सिक्स पर्सन को एक लाइन में मान लो क्या करना है <coughs> उनको खड़े करना है ठीक है सर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई मान लो छह लोग हैं कितने तरीके से अरेंज हो सकता है देखिएगा सर

बिल्कुल सर तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये भी तो परमोटेशन का क्वेश्चन हो गया ये भी तो अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया समझ लो ना सिक्स इंसान को मुझे खड़े मुझे किसी लाइन में एक कतार में खड़े करने हैं ठीक है तो अगर मुझे अलग अलग कितना पॉसिबल वेज हो सकता है उनको खड़े करने का अलग अलग वेज मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन है वो कहीं रिमेनिंग फर्स्ट पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है किसी किसी जगह पे फोर्थ पर्सन भी फर्स्ट पे आ सकता है सेकेंड थर्ड पे फोर्थ पे तो है ही फिफ्थ सिक्स कहीं पे भी आ सकता है मतलब मुझे इनका पोजिशन चेंज करना है छह इंसान है इनका क्या करना है? मुझे पोजिशन चेंज करना मतलब सोचो जैसे ही पोजिशन चेंज होगा अलग अलग क्या दिखेगा मुझे अरेंजमेंट्स दिखेंगे तो ये क्वेश्चन का, का, का हो गया तो कैसे करेंगे तो अरेंजमेंट बनेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले तो डिफरेंट गिवन नंबर ऑफ पर्सन कितने तो यहां पे होगा सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिक्स पर्सन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिक्स पर्सन स्टैंड स्टैंड इन अ सॉरी माफ़ कीजिएगा इन ठीक है इन क्वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे ये क्या होगा हमारा सॉरी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखो ज्यादा वर्ड रहेगा नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ठीक है ऑफ ऑफ सिक्स पर्सनस कैन स्टैंड इन अ ठीक है ये होगा आई बात समझ में यस yes, सर तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा सॉरी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर सिक्स में से सिक्स को अरेंज करना है येस yes, ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा सिक्स पी सिक्स बोलिए यस और नो

इन फोर फिंगर्स विथ मोस्ट वन इन इच फिंगर देखो तीन रिंग है है ना तीन रिंग है और चार फिंगर है है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार फिंगर है एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा एक ही रिंग आ सकता है जी सर यस एक फिंगर में मैं एक ही रिंग डाल सकता हूं यहां पे है ना तो इट मीनस सर तीन ही फिंगर है ना सॉरी तीन ही रिंग है और चार फिंगर है तो सर अगर एक फिंगर में मैं एक ही रिंग डालू मान लो वन वन रिंग डाल सकता हूं है ना एटमोस्ट एक रिंग तो सर एक फिंगर तो कभी ना कभी हमेशा खाली जाएगा बिल्कुल खाया ली जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार सोचना है तो तो जरा सोचो मैं साइड होता लगाओ दिमाग बताओ आंसर क्या लगाइए दिमाग इसमें थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन है ना इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन फोर फिंगर्स विथ एटमोस्ट वन इन इच फिंगर समझा दिया हो जैसा कि एटमोस्ट एक, एक फिंगर में से ज्यादा से ज्यादा एक ही रिंग होना चाहिए हाँ हो सकता है कोई फिंगर मेरा यहाँ पे ना जिसमें रिंग ही ना हो अपने पास टोटल चार फिंगर है देखिएगा ध्यान से आपने पास चार फिंगर है ठीक है सर हो सकता है इस और इसमें रिंग हो और ये वाला हमारा क्या हो इसमें रिंग ही ना हो सोच पा रहे हो अलग अलग अरेंजमेंट या हो सकता है इधर से फोर्थ थर्ड और सेकेंड पे रिंग हो और फर्स्ट पे रिंग ही ना हो समझ पा रहे हो इस चीजों को

विथ मोस्ट वन इन इच फिंगर ज्यादा से ज्यादा एक फिंगर में ज्यादा ज्यादा एक ही रिंग हो है ना तो एक फिंगर में अगर एक ही रिंग होगा तो इसमें एक रिंग आया या इसमें आया और फिर इसमें आया ये वाला हमारा क्या हो गया खाली रह गया इसमें कोई रिंग नहीं गया हो सकता है इसमें रिंग ना डाल के इस तीनों में रिंग डाल आ रही बात समझ में तो इसका मतलब मेरे पास चार फिंगर है और तीन रिंग है क्या है मेरे पास चार फिंगर है और क्या है तीन रिंग है तो चार फिंगर में अगर मैं रिंग को रखूं तो मेरे पास जो अरेंजमेंट होगा तो क्या मैं उसको सुनिएगा ध्यान से क्या मैं उसको फोर पी थ्री लिख सकता हूं क्या सर ये कैसे सर फोर पी थ्री का तो मतलब ये होता है ना सर कि चार डिफरेंट सुनिएगा सर चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना सर ये ना होता है चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना टेक एन टेक एन थ्री एट ए टाइम ऑब्वियसली सर यही तो होता है टेक एन थ्री एट अ टाइम हाँ तो एक बात बताइए चार डिफरेंट फिंगर को ही तो हम कर रहे हैं जिसमें से तीन फिंगर को ले रहे सर 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 पे जो 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 तीन 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 ना है 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 सुनिएगा तो वो जो, वो जो तीन रिंग है। में को अरेंज करना है इसका मतलब टेकन एन थ्री एट ए टाइम फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करना है यहां पे अरेंज करना है फोर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज है ना अरेंज करना है है ना करना है टेकन क्या है थ्री तो अगर मैं, अगर मैं सुनिएगा ध्यान से मैंने क्या किया तीन हो सकता वो जो तीन रिंग है इसमें अरेंज हो जाए इस तीनों में मतलब फर्स्ट रिंग सेकेंड रिंग थर्ड रिंग आया तो इसमें से फिर अरेंज हो जाए मेरी बात आ रही है समझ में तो जब भी ऐसे सवाल देखो इस वाले सवाल में और कभी कभी ना एक क्वेश्चन और आएगा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक लेटर बॉक्स और लेटर वाले सवाल आएंगे आपको बोल देगा पांच लेटर बॉक्स है है ना और हमारे पास चार लेटर है तो बोलेगा कि कितने तरीके से पांच लेटर बॉक्स में चार लेटर बॉक्स को हम लोग पोस्ट कर सकते हैं है ना और बोलेगा कि इन ईच लेटर बॉक्स एट मोस्ट वन लेटर मतलब एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर मुझे डालना है ऐसे भी सवाल आगे चल के हम लोग करने वाले हैं आ रही बात समझ में ये रिंग वाला सवाल और लेटर बॉक्स वाला सवाल सेम टाइप का होगा ठीक है तो चार फिंगर है मेरे पास तीन रिंग होगा तो उसको अरेंज करने का तरीका होगा फोर पी थ्री सर थोड़ा सा कम आ रहा है ठीक है कम आ रहा है थोड़ा सा सर ना ऊपर से जा रहा है सर उतना अच्छे से नहीं आया आप खुद सोचो मेरे पास ना चार फिंगर दिए हुए ठीक है चार फिंगर को हम यूज करेंगे और मैं तीन रिंग रखूंगा हो एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा एक ही रिंग जाएगा तो इन तीनों में जाएगा रिंग ये ब्लैंक रह जाएगा इसमें आएगा ही नहीं है ना हो सकता है कि पहला दूसरा और चौथे में इसमें रिंग आए ही ना अरेंजमेंट हो हो सकता है ना, हो सकता है है ना पहले में दो नहीं सर दो फिंगर दो रिंग नहीं डाल सकते होगा यह होगा फोर पी थ्री क्या होगा फोर पी थ्री फिर आप सोचोगे सर फोर पी थ्री का तो मतलब होता है ना सर चार ऑब्जेक्ट दिया हुआ है चार ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है टेकन थ्री एट ए टाइम तो आप ऐसे सोचिए मुझे चार फिंगर्स को अरेंज करने हैं टेकन थ्री एट ए टाइम जो टेकन थ्री एट ए टाइम है वो टेकन कौन सा है, जिसमें हम लोग रिंग डाल रहे हैं अरे बात समझ में वो तीन फिंगर वो है जिसमें हमने रिंग डाला आई बात समझ में एक बात और सुनिएगा जब मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा ना तो ये सवाल ना उस समय के आपके लिए चिंदी हो जाएगा कुछ इस सवाल की औकात नहीं रहेगी अभी आपको थोड़ा सा ना दिक्कत जारी होगी हम लोग बस एनसीआर सीखने दो मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा ना कॉम्बिनेशन का मतलब अगर इस पर क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा देखिएगा उस समय आपको और ईजी हो जाएगा तो सर फिर सवाल हम लोग को एग्जाम में आएगा तो परमोटेशन से करेंगे या कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में आप सेम क्वेश्चन को से भी कर सकते हो ठीक है तो फिर सर कंफ्यूज हम लोग क्या कंफ्यूजन कि सर फिर हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो पर कौन सा सवाल का है, कौन सा सवाल कॉम्बिनेशन का सुनिएगा ध्यान से कोई कोई सवाल सिर्फ परमोटेशन से होगा कोई कोई सवाल सिर्फ कॉम्बिनेशन से होगा और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई हो रहा हो एट ए टाइम ठीक है आगे बढ़ने दो आगे बढ़ेंगे जब हम लोग सीखेंगे आएगा अच्छे से बस मैं आपसे कहूंगा लेक्चर मिस मत कीजिएगा ठीक है लेक्चर मिस मत कीजिएगा तो इस सवाल का मतलब क्या था हमारे पास क्या था सर चार फिंगर्स थे है ना फोर फिंगर्स है और थ्री क्या है रिंग है थ्री क्या ring है आपके पास रिंग तो जब भी ऐसे सवाल है फिंगर्स और रिंग वाले सवाल आए तो आपको क्या करना है फोर <coughs> फिंगर में थ्री रिंग रखना है तो कहीं ना कहीं जिस फिंगर में मैं रिंग को अरेंज कर रहा हूं रिंग को डाल रहा हूं जिस फिंगर में मैं रिंग को डाल रहा हूं वो फिंगर का अरेंजमेंट होगा कहीं ना कहीं ऐसा सोचिएगा ठीक है तो यहां से इसका जो आंसर हो जाएगा मैं लिखूंगा यहां पे पहले तो यहां लिख लो नंबर ऑफ फिंगर्स कितना है नंबर ऑफ फिंगर्स नंबर ऑफ फिंगर्स सर फोर है और नंबर ऑफ रिंग कितना है नंबर ऑफ रिंग्स नंबर ऑफ रिंग्स है सर थ्री नंबर ऑफ रिंग्स क्या है थ्री है तो यहां पे हो जाएगा सो सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ है ना number of uh, how many ways and uh, number of ways ways in which in which three different in which three different rings three different rings can be three different rings can be can be worn in four fingers in four फिंगर्स क्या हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा फोर पी थ्री क्या हो जाएगा फोर पी थ्री और फोर पी थ्री क्या देगा अपने को सर, 4 का और अपॉन में वन का फैक्टोरियल ये कितना हो गया सर फोर का फैक्टोरियल और ये कितना होता है ट्वेंटी फोर आया समझ में ट्वेंटी फोर वीज होंगे चार फिंगर में थ्री रिंग्स को रखने का आर यह बात समझ में फिर से एक बार मेरे पास चार फिंगर है तीन रिंग है कितने तरीके से एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक ही रिंग जा सकता है तो कितने तरीके होंगे सर कितने तरीके हुं? या तो मैं इस फिंगर को यूज करूंगा या इसको या इसको ठीक है फर्स्ट थ्री को यूज किया तो इस फिंगर में कोई भी रिंग नहीं आया या हो सकता है मैं फर्स्ट सेकंड को यूज करूँ और थर्ड को यूज करूं या हो सकता है इन सबको यूज करूं आ रही बात समझ में ठीक है सर तो एक फिंगर हमेशा एमपीटी जाएगा एक फिंगर हमेशा एमपीटी जाने वाला है यहाँ पे ठीक है तो चार फिंगर को में से चार फिंगर में को में से मुझे तीन रिंग डालना है तो मेरा जो वेज होगा नंबर ऑफ वेज होगा वो कितना हो जाएगा फोर पी थ्री हो जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं है आपको पता है इसका मतलब थोड़ा सा मैं अभी आपको समझा दूं इसका मतलब क्या है चार डिफरेंट अरें ऑब्जेक्ट्स में से मुझे चार ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है थ्री टेकन थ्री एट ए टे टाइम टेकन थ्री एट ए टाइम आ रही है बात समझ में यस सर आ रही है तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे सोच लीजिए कि मुझे ना चार फिंगर्स को अरेंज करना है तीन फिंगर को एट ए टाइम मुझे सेलेक्ट करना है या लेना है थ्री टेकन थ्री एट ए टाइम जिस थ्री एट ए टाइम का मतलब है एट एट ए टाइम थ्री तीन फिंगर में ही तो रिंग होगा एक फिंगर तो एम्पिट जाएगा ना ऐसे सोच लीजिए आप ठीक है ओके सर चमक गया चमक गया ठीक है ना तो जिस फिंगर मेटिंग जाएगा वो अरेंज होगा आ ये बात समझ में तो लिखिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे लिखिएगा इसको ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े लिखिएगा जल्दी से ठीक है डंडन आ डन आ गया आ गया सर अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा देखो ये जो सवाल है सेम अभी फ्लैग वाला क्वेश्चन किए लप्पू टाइप का सवाल है ये जान के मैं करवाया दो क्वेश्चन के बाद मैं इसलिए लेके आया कि आप देखो को बोलोगे अरे सर ये क्वेश्चन तो हम लोग किए हुए क्या लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन बाई यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन दिया जा सकता है बाई यूजिंग फोर डिफरेंट नंबर ऑफ सोच रहे हो सवाल समझिएगा इसको है ना हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन बाई यूजिंग एनी नंबर ऑफ फोर फ्लैग सर ये एनी नंबर का क्या मतलब है एनी नंबर ऑफ फोर फ्लैग का क्या मतलब है सर ये जो लिखा हुआ है सर एनी नंबर ऑफ फोर फ्लैग इसका क्या मतलब है क्योंकि लास्ट वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे देखिएगा हमारे पास ना एट फ्लैग दिया हुआ था कहा गया वो सवाल हाँ हमारे पास एट फ्लैग दिया हुआ था तो और हमें यूज कितना था पांच फ्लैग यूज करना था है ना हमें एट फ्लैग दिए हुए थे हमें पांच फ्लैग यूज करने थे लेकिन अभी वाला जो सवाल है इसमें से हमें क्या करना है हमें यहाँ पे फोर फ्लैग अपने को और यूज करना है एनी नंबर ऑफ फ्लैग सर पिछले बार तो आठ फ्लैग था हमें पांच फ्लैग यूज करना था इस बार सर फोर फ्लैग और कह रहा है एनी नंबर ऑफ फ्लैग यूज कर सकते हैं तो मतलब सर हम एक ही यूज करें हाँ, आप दो भी यूज कर सकते हो आप तीन भी आप चार भी तो इसका मतलब सर ये तो अलग अलग केस बनेगा अगर एक फ्लैग बनाएंगे या हो सकता है कोई इंसान दो फ्लैग यूज करे कोई इंसान तीन फ्लैग यूज करे और कोई इंसान सर चार फ्लैग यूज करे आया स्टूडेंट समझ में यस सर तो यहां से देखो यहां पे क्या होगा अगर मेरे पास कितना है फोर फ्लैग है समझिएगा नंबर ऑफ फ्लैग कितना है अपने पास दिया हुआ नंबर ऑफ फ्लैग है ना टोटल नंबर ऑफ फ्लैग ऐसा लिख लो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने दिए हुए फोर दिए हुए अब मुझे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनाने हैं अब कह रहा है कि एक में ना आप कर सकते। या तो मैं एक फ्लैग यूज करूंगा अपना सिग्नल बनाने के लिए या फिर दो फ्लैग यूज करूंगा या फिर तीन फ्लैग या फिर चार फ्लैग यूज करूंगा जैसा कि यहां पर सवाल में लिखा हुआ है एनी नंबर ऑफ फ्लैग यहां पर लिखेंगे केस वन सुनिएगा ध्यान से केस वन केस वन इफ वन फ्लैग इज यूज वन फ्लैग इज यूज मतलब अगर एक फ्लैग यूज किया गया वन फ्लैग यूज तो यहां पर सो तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ जो सिग्नल हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्नल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिएगा जरा समझिएगा इसको नंबर ऑफ अरेन्जमेंट ऑफ फोर फ्लैग्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फोर फ्लैग्स वन मतलब एट तो और फोर पी फैक्टोरियल ये कितना देगा अपने को फोर का फैक्टोरियल अपॉन में थ्री का फैक्टोरियल ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो फोर का फैक्टोरियल क्या होगा फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल अपॉन में थ्री का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया क्या गया आ गया ये फोर आ गया ठीक है ये तो मेरा केस नंबर फर्स्ट बन गया ठीक है केस नंबर फर्स्ट बन गया आ बात समझ में आप केस नंबर टू भी बनाना पड़ेगा अपने को तो केस नंबर टू भी बनाना पड़ेगा है ना तो केस नंबर टू क्या कर ले कहां पर कर ले ये तो केस वन हो गया इसको ऐसे लिख लेते हैं ठीक है ठीक है ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो गया ओके अब आ जाओ केस नंबर टू पे केस नंबर टू पे जब मैं क्या करूंगा When टू फ्लैग इज यूज When टू इज यूज नहीं सर टू फ्लैग इज यूज ना When वन फ्लैग flag... एक मिनट इसको रफ कर ले हूं. When वन फ्लैग इज यूज अब सुनिएगा उसके बाद लिखते हैं When, when टू फ्लैग when टू फ्लैग इज यूज जब दो फ्लैग यूज किया गया है ना वेन टू फ्लैग इज यूज तो क्या होगा आंसर सुनो तो क्या होगा तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ फोर फ्लैग जैसे नंबर ऑफ ऑफ अरेंजमेंट फोर थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम चार फ्लैग चार ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो दो ऑब्जेक्ट को यूज करना है क्योंकि टू फ्लैग यूज करना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फोर फ्लैग्स टेकन taken two टू फ्लैग a time टाइम टू फ्लैग एट अ टाइम इक्वल टू कितना बताइएगा सर फोर पी टू होगा फोर पी टू का क्या मतलब अपॉन में फोर माइनस टू का फैक्टोरियल ये दे देगा फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब ट्वेंटी फोर बाई टू डेट इज वॉट सर ट्वेल्व आया समझ में ये केस टू हो गया आ जाओ जरा केस थ्री पे आते हैं थर्ड नंबर केस केस थर्ड तो केस थर्ड में लिखते हैं वेन थ्री फ्लैग्स आर यूज है ना वेन वैन थ्री फ्लैग्स आर यूज जब तीन फ्लैग यूज किया गया है ना तो क्या लिखेंगे इसका नंबर ऑफ सिग्नल कितना आ जाएगा नंबर ऑफ सिग्नल्स नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू हो जाएगा इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑफ फोर फ्लैक्स फोर फ्लैक्स टेकन थ्री एट ए टाइम टेकन थ्री एट अ टाइम सिंपल तो तीन एक बार लेने पे क्या कितना हो जाएगा फोर पी थ्री और फोर पी थ्री को बोलेंगे फोर फैक्टोरियल फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल इज वॉट फोर फैक्टोरियल फैक्टोरियल और ये हो गया सर ट्वेंटी फोर अब केस नंबर फोर का जगह ही नहीं है अपने पास तो जल्दी से यहां तक लेके फिर केस फोर पे आएंगे ठीक है लिख लीजिए सर जगह नहीं है अरे जगह बना लेंगे तो केस नंबर फोर पे आ जाओ केस नंबर फोर पे आ जाइए तो केस नंबर फोर हमारा क्या है मान लो हम और फ्लैग यूज करते हैं केस नंबर फोर में लिखते हैं जैसे फर्स्ट केस क्या था हमारा वन फ्लैग इज दूसरा दो फ्लैग तीसरा तीन फ्लैग और अगला है ऑल फोर फ्लैग्स आर है ना ऑल फोर फ्लैग्स आर यूज जब सभी फोर फ्लैग्स को यूज किया गया ठीक है आया समझ में वैन टू फ्लैग्स आर यूज होगा ना सर यहाँ पे इज क्यों लगा रहे हो सर देख रहे हो सर ग्रामर ग्रामर

एट अ टाइम टेक एन ऑल फोर एट अ टाइम तो कितना हो जाएगा ये सर फोर पी फोर और आंसर कितना होगा फोर फैक्टोरियल और अपॉन में बताओ सर फोर माइनस फोर फैक्टोरियल तो ये दे देगा फोर का फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर और अपॉन में जीरो फैक्टोरियल दैट इज व्हाट ट्वेंटी फोर आई बात समझ में यस yes, सर तो सुनिएगा सवाल में दिया हुआ था अपने को चार हमें सिग्नल जनरेट करने थे सिग्नल बनाने थे अपने पास चार फ्लैग दिया हुआ था सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि हमें एक ही फ्लैग यूज करना है या दो फ्लैग यूज करना है जैसे लास्ट वाला जब हम लोग फ्लैग वाला क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास एट फ्लैग दिया हुआ था और एट ए टाइम हम लोग कितने फ्लैग यूज कर रहे थे पांच फ्लैग यूज करना था यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ था लिखा हुआ था एनी नंबर ऑफ फ्लैग हम यूज कर सकते हैं एनी नंबर का मतलब मैंने क्या सोचा मैंने क्या सोचा हम लोग को यह सोचना है कि

तीन यूज़ किया व्हेन टू थ्री फ्लैग्स आर यूज नंबर ऑफ सिग्नल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फोर फ्लैग्स टेकल थ्री एट ए टाइम रहा है सर चमक रहा है और व्हेन ऑल फोर फ्लैग्स आर यूज ये हो गया तो मैं अब यहां पे फाइनल हमारा होगा सो so, देखिएगा यहां लिखेंगे सो द टोटल द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स टोटल नंबर ऑफ जो सिग्नल्स हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे आर ये बात समझ में याद रखिएगा जब भी पमोटेशन कॉम्बिनेशन में अलग अलग हम केस बनाएंगे तो आंसर सारे केस को हम ऐड करके देंगे यहाँ पे मेरा एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग रहा है जब मैं ये जब सब सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये केस टू के अंदर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई हो रहा है इसमें भी के, इस केस के अंदर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग केस थर्ड के अंदर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल केस फोर के भी अंदर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लेकिन जब सारे केस को कंबाइन करेंगे तो या तो ये होगा या तो ये या तो ये है ना हम लोग सिग्नल जनरेट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे ऐड करना होगा क्या करना होगा सर ऐड करना होगा तो एडिशन प्रिंसिपल से ऐड कर दो तो कितना होगा पहला कितना है चार बारह और चौबीस ठीक है चार बारह फोर ट्वेंटी फोर और लास्ट में भी क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी फोर है ना फोर और ये भी कितना था ट्वेंटी फोर ठीक है फाइनल आंसर कितना होगा ये फोर्टी एट हो जाएगा आ, ये 48 50, 60, 64 फोर्टी एट प्लस नंबर ऑफ लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हो जाएंगे वो हो गए सिक्सटी फोर चमक गया चमक गया तो एक अच्छा स्माइल कीजिएगा अरे बात समझ में चलिए लिखिए जल्दी से इसको ठीक है सर चलो एक बार स्क्रीन ले लो इस पार्ट का और फिर इस पार्ट का तो देखिए आज जो भी ले लिया स्क्रीन तो अभी मैंने आज जो भी आपको क्वेश्चन करवाया ये सब जो बेसिक क्वेश्चन थे पर वर्ड प्रॉब्लम पर मोटेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके ये बेसिक्स क्वेश्चन थे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं विदाउट कंडीशन अप्लाई वाला ठीक है तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास आइएगा आज जितना भी आपने एफर्ट लगाया समझने में अगले क्लास में उस एफर्ट का ना आपको क्या कहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट लगाए हो अपने एफर्ट का तो उसका आपको क्या मिलेगा कल आउटकम मिलेगा नेक्स्ट क्लास में ठीक है आउटकम मतलब सर आपको अच्छे से सवाल सम, समझ में आएगा अगले क्लास में आप हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो आप खुद ही कर दोगे ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय हैव है नाइस डे जय हिंद जय भारत